हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और मार्केट क्या पॉस्चर जो है कुछ ठीक ठाक नहीं है, फिर भी कुछ रिफाइन करने के बाद दिख रहा है कि किस इंडेक्स ने ज्यादा करेक्शन दिया, किस इंडेक्स ने कम करेक्शन दिया। तो आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है या तो ट्रेडिंग करना है तो कौन से इंडेक्स से ट्रेडिंग कर सकते हो? मैंने 6 इंडेक्स निकाले हैं, 6 में से 5 में ट्रेडिंग होता है और 1 में ट्रेडिंग होता है, बट वो इंडेक्स का मेन ड्राइवर है जिसको बोलते हैं निफ्टी आईटी। तो हम अभी फटाफट से समझते हैं किस इंडाइसेस ने कितना रिटर्न दिया है और कितना लॉस करवाया लोगों को। पहला फिन निफ्टी की बात करते हैं, फिन निफ्टी गिरा है 5.45%। उसके बाद जो निफ्टी है उसने करेक्शन दिया है 8.36%, अभी टॉप से बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने 5.45% का करेक्शन दिया है टॉप से। मिड कैप निफ्टी ने 7% का करेक्शन दिया है टॉप से। तो आप देख लो किस इंडाइसेस ने कम करेक्शन दिया है। उसके बाद आता है निफ्टी आईटी जिसने 3.68% का करेक्शन दिया है। उसके बाद आता है सेंसेक्स जिसने 7.98% का करेक्शन दिया है। तो ऑल ओवर मेजर इंडाइसेस मैंने आपको बता दिए जिसने कितना करेक्शन दिया है और कितना करेक्शन नहीं दिया है। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपको कौन से इंडाइसेस के अंदर के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए और कौन से इंडाइसेस में तेजी करनी चाहिए, वहां पे आपको आइडिया आएगा। तो पहली चीज, जिस इंडाइसेस ने कम करेक्शन दिया मतलब वहां पे मोमेंटम अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो वैसे इंडाइसेस के स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, जैसे कि निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ऑल टुगेदर इट इज अ गुड चांस टू बाय। तो जिसमें से टॉप स्टॉक्स हमने जो दिवाली का पिक किया है उसमें विप्रो है, एचसीएल टेक है, इंफोसिस को तो सबने आउट परफॉर्म करके बुलिश दिया है। तो ये सारे स्टॉक्स आप ले सकते हो, जिसके अंदर कोई डाउट मत रखना कि कुछ नेगेटिविटी आएगी, आती है तो ज्यादा नहीं, छोटा सा करेक्शन आएगा। अभी बात करते हैं फिन निफ्टी के। फिन निफ्टी के अंदर मेजर जो ड्राइवर है इंश्योरेंस के स्टॉक्स है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस के स्टॉक्स के अंदर कुछ रेंज के बाद बढ़ने के बाद अच्छी खासी सेलिंग हो गई, जिसमें सबसे पहला जो स्टॉक है एसबीआई लाइफ, जिसमें मेजर सेलिंग हुई। उसके बाद एचडीएफसी लाइफ में मेजर सेलिंग हुई। उसके बाद आईप्रो में मेजर सेलिंग हुई। उसके बाद ऑल टुगेदर धीरे धीरे करके सारे बड़े स्टॉक्स में सेलिंग शुरू हो गई। तो फिन निफ्टी के जो मेजर ड्राइवर है स्टॉक्स, उसके अंदर भी कुछ मोमेंटम अच्छा नहीं है। तो आप निफ्टी का जो वेटेज है आप समझ सकते हो, उसके अंदर फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स मतलब फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज है ऑल टुगेदर इट 35 to 36%। इसीलिए मार्केट का मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। तो आपको मार्केट चलाने के लिए मतलब निफ्टी 50 और बाकी सारे इंडेक्सेस को चलाने के लिए मेजर ड्राइवर जो है फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स, उसका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि निफ्टी आईटी तो सपोर्ट कर रहा है और ये सारे इंडेक्सेस सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप समझ जाओ आपको क्या करना है। अगर ये इंडाइसेस चलेंगे तो ही जाके चलेगा। और उसके बाद जो निफ्टी मिड कैप है, मिड कैप के अंदर लोग बोल रहे थे बहुत ज्यादा से, बस जिस हिसाब से चला है उस हिसाब से तो कुछ भी सेलिंग नहीं आई है बॉस। मतलब आप देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ निफ्टी मिड कैप को, तो निफ्टी मिड कैप ने 60% का करेक्शन दिया। यार इतना तो प्रॉफिट बुकिंग होता है, कोई ज्यादा कुटाई हो चुकी है। तो आप क्या कहें, ऐसे स्टॉक्स से थोड़ा दूर रहो। इसमें एयू बैंक को बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई है, फिर अपना एस्ट्रल में बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई है, और बंदा फार्मा में बहुत अच्छी सेलिंग हो गई है। बाकी सारे कुछ स्टॉक्स इतने खास नहीं है जिसमें इतनी सेलिंग हुई है। तो जिस स्टॉक्स में सेलिंग नहीं हुई है आप उसको पकड़ के बैठ सकते हो। तो मिड कैप निफ्टी में भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखो मार्केट की रिकवरी में जो बीटा स्टॉक्स है वो फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स वाले हैं। तो हाई बीटा लो बीटा का डेफिनेशन आप समझो, हाई बीटा मतलब जिस इंडेक्स के स्टॉक्स को आप बाई कर रहे हो, अगर उस इंडेक्स से उस स्टॉक ने ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया है तो हाई बीटा है, उस इंडेक्स के स्टॉक्स के अंदर अगर इसने रिटर्न डिलीवर उतना नहीं किया जितना इंडेक्स ने किया है तो लो बीटा हो गए। तो जब भी बड़ी रैली ट्रिगर होती है फाइनेंशियल इंडेक्स से ही होती है। तो आप जब मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट होगा बाइंग के साइड पे, तो आपको कैसे स्टॉक बाई करने हैं आप ध्यान रखो। पहले मैंने निफ्टी आईटी के जो स्टॉक्स है उसको तो अभी रेगुलर नोट पे बारे बोला ही है, बट आगे जाने के लिए आपको चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले स्टॉक्स। अगर ये स्टॉक्स चलेंगे तो ही मार्केट आगे जाएगा, एल्स मार्केट विल बी सैचुरेटेड और वो क्या बोलते हैं एक रिट्रेसमेंट जोन वाले मार्केट में साइड में पड़ा रहेगा। ऑल टुगेदर आपके लिए इतना ही था, और कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल ये की नोट मैंने ये सारे स्नैपशॉट डाल दिए हैं मेरे ग्रुप के अंदर। आपको कुछ अपडेट चाहिए तो पिन डाउन कर देना, आई विल ड्रॉप मैसेज। और कुछ होगा तो मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन के तो आइडिया देता ही रहता हूँ, बट ये मेरे लिए अगर लग रहा था मुझे कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।